रतिया में 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। शहर के 17 वार्डों में 30 बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 26,336 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगरपालिका प्रधान पद के लिए 8 महिला जो है उम्मीदवार हैं, और जबकि 17 वार्डों में 4 पार्षद सर्वसम्मति से चुने गए हैं, जबकि 13 पार्षद अपने मत का प्रयोग करेंगे। पार्षद पद के लिए 43 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए कल वोटिंग होनी है। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज है वो आई हुई है, उनको आज हम किट और ईवीएम दे देंगे और आज अपने वो बूथ पे चली जाएंगी और बूथ पे जाने के बाद अपना सवाल जो है वो अरेंज कर लेंगे और कल मॉर्निंग में मॉक पोल करवा के 7 से 6 बजे तक इलेक्शन। तो सर, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए? सुरक्षा को लेकर जो हमारे दो गार्ड साथ जाते हैं वो साथ जाएंगे और जो डिप्लॉयमेंट होती है पुलिस की। कितने बूथ कितने बनाए गए टोटल? बूथ हमारे पास 30 से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव कल होने यानी 19 जून को होने, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी कर ली गई है? देखिए निशा, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पुख्ता की गई हैं और इसको लेकर प्रशासन ने शहर में 17 वार्डों में 23 बूथ केंद्र बनाए हैं, जिसमें आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन देकर रवाना किया गया है सभी पोलिंग बूथों पे, और सुरक्षा के जहां तक बात है कड़े प्रबंध किए गए हैं। 26,336 के करीब मतदाता कल अपने मत का प्रयोग करेंगे जी। अशोक, जिस तरीके से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो पंजाब राज्य की सीमा है रतिया से 8 किलोमीटर दूर बामनवाला गांव में, उसको लेकर वहां पूरी नाकाबंदी है और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, और शहर में कल जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं। इसको लेकर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो चुनाव अधिकारी भी हैं, उनका कहना है कि शांतिपूर्वक चुनाव करवाया जाएगा, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा जी। अशोक, जिस तरीके से कल मतदान होना है तो कितनी पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है? 17 वार्डों में 33 पोलिंग पार्टियां हैं, जो 30 के करीब बूथ बने हैं उनके ऊपर पोलिंग पार्टियां हैं जो तैनात आज भेजी गई है ईवीएम देकर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कल 19 जून को निकाय चुनाव होने हैं, इसके लिए सरकार प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।